नमस्कार, किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में आपका स्वागत है, जहां हम किडनी से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आपको देते हैं। और अगर आप किडनी पेशेंट हैं या आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति किडनी फेलियर की समस्या से पीड़ित है, तो आपने डायलिसिस के बारे में तो सुना ही होगा। किडनी फंक्शनिंग में कोई भी समस्या होते ही आपको सिर्फ एक उपाय बताया जाता है और वो है डायलिसिस। आपने हमेशा यही सुना होगा कि डायलिसिस ही किडनी को ठीक करने का एकमात्र इलाज है, लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ एक मिथ है। असल में डायलिसिस किडनी पेशेंट्स के लिए एक इलाज नहीं बल्कि बस एक विकल्प है। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये बताने के लिए पहले आपको डायलिसिस को समझना होगा। दरअसल डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो हमारे शरीर से और खून से गंदगी को साफ करता है। डायलिसिस में एक मशीन हमारी किडनी का काम करती है। डायलिसिस करवाने से किडनी ठीक या स्वस्थ नहीं होती, बल्कि एक बार डायलिसिस करवाने के बाद किडनी पेशेंट्स को बार बार डायलिसिस करवाना ही पड़ता है। डायलिसिस ही किडनी की समस्या के लिए एकमात्र इलाज है, ये बात सिर्फ एक मिथ है। और इससे जुड़ा फैक्ट ये है कि डायलिसिस केवल एकमात्र उपाय है जो व्यक्ति के लिए कुछ समय तक काम कर सकता है, मगर किडनी को पहले की तरह ठीक कभी नहीं कर सकता। आज के समय में ऐसे कई किडनी पेशेंट्स हैं जो किडनी का सही इलाज चाहते हैं और वो डायलिसिस जैसे विकल्पों को ना अपना कर एक ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जो किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करे। तो ऐसे में आप आयुर्वेद पर भरोसा कर सकते हैं। दरअसल आयुर्वेद ही किडनी ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छा इलाज है। योग और स्वस्थ आहार को अपनी जीवन शैली में शामिल करने से आप किडनी के रोग को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को जरूर शामिल करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आपकी किडनी भी सही ढंग से अपना काम करती है। उम्मीद करते हैं कि अब आप इस मिथ के पीछे छिपे फैक्ट के बारे में जान चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने भी कभी किडनी से जुड़े मिथ्स और ऐसी बातों के बारे में सुन रखा है तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। साथ ही अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्दा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्दा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मायुर्दा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्दा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही इस जरूरी जानकारी को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और जितना हो सके घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र विक्रम सिंह है। अच्छा, तो कहाँ से हैं? बरेली से। आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। ये कार्ड आपका है? जी सर। आप MBBS करिए? मैंने MBBS GCS दोनों। अच्छा, आई 40 फेसेस। जी जी जी, ठीक है। तो जब आप आए थे तो आपने कोई पेशेंट वगैरह देखा यहाँ से वहाँ पे आपके बरेली में? जी सर, मेरे हॉस्पिटल के बराबर में है। अच्छा, मेरा नेबर है वो, उसका क्रिएटिन लेवल 12 के आसपास था। अच्छा, यूरिया सर 200। ठीक है, तो अब रिड्यूस हो गया, GFR भी इम्प्रूव हुआ है उसका। अच्छा, क्रिएटिन उसका 5-6 के आसपास है, यूरिया भी 120 है। अच्छा, वो फिजिकली मतलब जो GC है उसकी इम्प्रूव हुई है। अच्छा, जनरल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। मतलब क्रिएटिनिन जो था वो 12 था? जी 12 था। और अभी जो है वो? हाँ, उस बंदे का, पेशेंट का मतलब 5.6 के आसपास है सर। तो आप प्रैक्टिस वहीं करते हैं? जी, मेरा अस्पताल है। अच्छा, हॉस्पिटल है आपका बरेली में? जी जी। अच्छा, ठीक है, ओके।